आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं, हमारे पास है मोटो G04S हमारे पास फोन है। इस फोन में रिंगटोन कैसे चेंज करते हैं, तो आज के इस वीडियो में यह बताने वाला हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, जो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए तो चैनल जो सब्सक्राइब करें। हमारे पास ये मोटो G04S फोन है, तो इसमें रिंगटोन बदलने के लिए सबसे लगने अपने फोन की सेटिंग में जाना, और सेटिंग में जाने के बाद उसको आपको जो है साउंड एंड वाइब्रेशन वाले ऑप्शन पर, इसके बाद इनसे बोलने मिल जाएंगे तो आप अपने हिसाब से फुल कर सकते हो, तो मैं कर लेता हूँ। उसके बाद आपको जाना है फोन रिंगटोन सिम बन, इस यहाँ क्लिक करना। जैसे मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो यहाँ से सारे रिंगटोन हमारे आ जाएंगे, जितने भी रिंगटोन है मोटो की तरफ से, तो आप इनमें से भी ला सकते हैं जो उनसे आपको अच्छी लगे। अगर आप चाहते हैं अपनी तरफ से डाउनलोड करके आपने रख रखी पहले से, तो उसके लिए आपको ना सबसे नीचे जाना है एड रिंगटोन पे, तो मैं चलाता हूँ। जैसे मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो उसके बाद यहाँ से आपको थ्री डॉट में जाना, फिर यहाँ डाउनलोड वाले ऑप्शन पर जाना, और यहाँ से जो हमने अगर आपके फोन में डाउनलोड होगी तो आपको यहाँ शो करेगा, तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। मेरे फोन में डाउनलोड है नहीं, तो मैं बैक कर लेता हूँ, और बैक करके मैं मोटो की तरफ से जो रिंगटोन है मैं यहाँ से लगा लेता हूँ कोई सी, तो मैं इनमें से लगा लेता हूँ कोई सी वाली रिंगटोन लगा लेता हूँ। मैं ये वाली रिंगटोन जो लगा लेता हूँ यहाँ से, ओके बिल्कुल करना है, लग चुकी है। इसके बाद मैं दिखाता हूँ बैक करके, रिंगटोन जो हमारी लग चुकी है। तो आपको इसी तरीके सेम तरीके से आपको सिम टू पर रिंगटोन लगानी है। नीचे एक ऑप्शन में आपको फोन रिंगटोन सिम टू पर, आपको इसी तरीके से लगानी है। आपको मोटो की तरफ से रिंगटोन मिलेगी, अगर आप चाहते हैं अपनी तरफ से रिंगटोन लगाना तो उसके लिए आपको एड रिंगटोन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ से आपको डाउनलोड वाले ऑप्शन पर जाना, और यहाँ से आप भी आप लगा सकते हैं। मेरे फोन में है नहीं, तो यहाँ से बैक कर लेता हूँ। बैक करके मैं मोटो की तरफ से लगा लेता हूँ कोई रिंगटोन इनमें से, तो फिर इसके बाद ओके पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ से हमारी जो रिंगटोन है लग चुकी है, तो आप भी अपने फोन में इस तरह की रिंगटोन बदल सकते हैं।